हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, टेंस पढ़ रहे थे हम। प्रेजेंट और पास्ट का जो टेंस का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका। लास्ट टाइम पढ़ेंगे अब फ्यूचर टेंस। ठीक है भाई, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में किसी को कोई भी समस्या हो, मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मैं आज दे दूंगा आपको, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं भी आप अपनी क्यूरी डाल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन साथ में नोट्स बनाते रहो। आपको टेंस कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन की पीडीएफ भी दूंगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन भी करने हैं, उनके आंसर भी सेंड करने हैं। ठीक है भाई, ओके, शुरू करते हैं। देखिए, हाँ, अब हम शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर का सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल या विल। देखो, एक बात बताऊंगा आपको, मैंने शायद आपको शुरुआत की वीडियो में बताया भी होगा कि टेंस है तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लेकिन मॉडर्न टेंस में हम सिर्फ दो ही टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। क्यों? फ्यूचर टेंस है जिसमें शैल और विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो कि एक प्रकार से मॉडल का काम भी करती है। और इसे हम यहाँ टेंस में ना पढ़कर मोस्टली अब कहाँ पे पढ़ने लग गए? मॉडल्स में। लेकिन मैं यहाँ भी आपको करा रहा हूँ, मॉडल्स में इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है, वो हम मॉडल्स में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अभी यहाँ पर देखो आप, शैल और विल का यूज होता है, जिसमें शैल का यूज करेंगे हम आई और वी के साथ, विल का यूज हम करेंगे ही, सी, इट, किसी का नाम, यू, दे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। मतलब ये है कि आई और वी के अलावा सभी के साथ विल का यूज करोगे, सिर्फ आई और वी के साथ आप शैल का यूज करोगे। क्लियर है? ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं मेन वर्ब कौन सी यूज होगी। मेन वर्ब यहाँ पे यूज होगी ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम। इसका यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लिख लो जल्दी से कौन सी चीजें हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। लिखो जल्दी से। देखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के अलावा हम क्या रखते हैं? एडवर्ब्स का यूज करते हैं, कि किस एडवर्ब के साथ हम कौन से टेंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी एडवर्ब देखिए। एडवर्ब्स कैसे होंगी? एडवर्ब्स होती है टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, हम फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर की कोई भी एडवर्ब, मतलब फ्यूचर का कोई भी वर्ड ऐसा जो फ्यूचर टाइम को बताता हो, वही इसकी एडवर्ब होगी। जैसे टुमारो, आने वाला कल। यहाँ पे यस्टरडे होता तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते, लेकिन यहाँ पे टुमारो है आने वाला कल। उसके बाद देखिए, लास्ट की बात हुई थी, लास्ट की बात हुई तब हमने क्या लिखा था? लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, वो सब गया था पास्ट टेंस में। अभी यहाँ पे आने वाला, तो क्या करोगे? लास्ट की जगह अब यहाँ पे आप नेक्स्ट का यूज करोगे। एक तो ये हो गया, दूसरा नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट प्लस ईयर, मंथ, डे, ठीक है, नाइट, इटीसी, ठीक है। उसके बाद द कमिंग डे, आने वाला दिन, द फॉलोइंग डे, ये भी आने वाला दिन होता है,
ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर, ठीक है, तो ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब ये जहां भी आपको मिले, टुमारो मिल जाए, इन फ्यूचर मिल जाए, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो यहां पे आप किसका यूज करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर ईयर्स, जैसे 2025 जो कि अभी आया नहीं, आने वाला है, ठीक है। फ्यूचर के अगर कोई भी वर्ष दे रखे, 2025 है, 2040 है, 2050 है, ठीक है, ऐसा भी कुछ अगर आपको मिलता है तो किसका यूज करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए मैं आपको बताऊं, पास्ट की कोई भी ईयर मिल रही थी, जैसे 1997 है, 1994 है, 1947 है, तो उसमें हम यूज कर रहे थे किसका, पास्ट टेंस का। अगर फ्यूचर की कोई भी ईयर मिलेगी तो आप किसका यूज करोगे, फ्यूचर टेंस का। लिखो इनको जल्दी से, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखाने हैं, क्लियर है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इतना ही है। देखिए आई गो टू स्कूल टुमारो, यहां तक सेंटेंस आपका क्या है, यहां तक अगर सेंटेंस है तो आप इसको प्रेजेंट में ही लेके चलोगे, क्योंकि पास्ट या फ्यूचर को कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे करोगे आई गो टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे दिया गया है टुमारो, आने वाले कल, मतलब कल मैं स्कूल गया नहीं, कल मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो क्या करोगे, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है भाई। एग्जाम्पल लिख लो, सी अभी ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, क्या आता है, ऑन प्लस डे, आप करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट संडे, तब किसका यूज करोगे, नेक्स्ट की बात हो रही है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ शैल, सी के साथ विल, सी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, वो अगले सोमवार को यहाँ आएगी, ठीक है भाई, क्लियर है। यही था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बाकी कुछ नहीं है, एक रूल है वो लिखा देता हूं, शायद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा भी दिया हो, नहीं लिखाया तो यहां लिखा देता हूं। यदि दो सेंटेंस इफ से जुड़े हुए हैं, यदि दो सेंटेंस इफ से जुड़े हुए हैं एवं एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट का होगा, एक फ्यूचर इंडेफिनेट का है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनेट का होगा। एग्जांपल देखो, इफ टू सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद इफ, देखिए यदि दो सेंटेंस इफ से जुड़े हों एवं एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हो,
तब दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनेट का होगा। इंग्लिश में बोल रहा हूं, अगर किसी को लिखना है इफ टू सेंटेंसेज आर कनेक्टेड विद इफ कंजंक्शन वर्ड, कंजंक्शन वर्ड इफ से जुड़े हो एंड द वन सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट देन द अदर विल बी ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट। देखिए जो मैंने अभी सेंटेंस बोला है आपको रूल, वो भी इसी प्रकार का एक वाक्य है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाओगे, यही बोलते हैं ना हिंदी में। तो एक करते हो दूसरा हो जाओगे, एक प्रेजेंट का हो गया एक फ्यूचर का हो गया, यही सेम इंग्लिश में भी सिचुएशन है। इफ यू वर्क हार्ड वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्क, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इनडेफिनेट है, आप आगे चलो, पहला प्रेजेंट इनडेफिनेट का जुड़े हुए किससे है, इफ से जुड़े हुए हैं। आप कैसे कर सकते हो जुड़े हुए, कैसे बता रहा हूं, कोमा लगा हुआ है। ये भी कर सकते हो आप, यू विल बी सक्सेसफुल या यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, फ्यूचर इनडेफिनेट क्या हो जाएगा, यू विल गेट द सक्सेस। यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। क्लियर है, इज इट क्लियर, ओके। ये आपका प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ये कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, डाल सकते हो कमेंट में। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, विल और शैल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल शैल प्लस बी हो जाएगा, विल बी और शैल बी हो जाएगा। ठीक है, देखो शैल बी आई और वी, बाकी यहाँ सारे ऊपर जाएंगे विल बी के साथ, ही सी इट नेम यू दे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वो सब किसके साथ हो जाएंगे, विल बी के साथ, लिख लेना। ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब क्या होगी, आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज करोगे। इज इट क्लियर, बोल दिया करो कमेंट में, कम से कम लिख दिया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिख लिया, देखो इसको हटा के मैं एडवर्ब लिख देता हूं, वो ज्यादा समझ में आना चाहिए आपको, वो ज्यादा जरूरी है। देखो कभी एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना, चीजों को ज्यादा समझ में आएगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, देखो मैं बताऊं आपको, आपने पढ़ा एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, जब आप पास्ट में गए तो आपने इसी को चेंज करके क्या कर दिया, एट दैट टाइम एट दैट मोमेंट। जब आप फ्यूचर में आ रहे हो तो क्या कर दोगे, एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट, लेकिन उसके साथ फ्यूचर का कोई भी वर्ड जोड़ दोगे, जैसे एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम आफ्टर टू डेज, दो दिन बाद मैं इसी समय खाना खा रहा हूंगा, दो दिन बाद इसी समय मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। समझ गए ना कि इसी समय की बात तो कॉन्टिन्यूस में इसी समय की होगी जब काम चल रहा होगा, लेकिन आज की नहीं, दो दिन बाद, दस दिन बाद, पंद्रह दिन बाद, दो साल बाद, दस साल बाद, कुछ भी फ्यूचर की बात होगी तब आप क्या करोगे, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय मैं आपको पढ़ा रहा होऊंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू, एट दिस टाइम मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इस समय कल आपको पढ़ा रहा था उस समय। ठीक है,
वो पास्ट में चला जाएगा और मैं कल इस समय आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, आई विल बी टीचिंग यू एट, सॉरी आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर? ठीक है, लिखो इसके एडवर्ब्स लिखो। At this time, at this moment, plus में क्या आ जाए, tomorrow, ठीक है, देखो at this time, at this moment, plus में tomorrow, या इन सबके साथ क्या आ जाए, एट दिस टाइम, नेक्स्ट प्लस में डे, वीक, मंथ, ईयर आदि, एट दिस टाइम इन फ्यूचर या द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। चलो इसको हटा रहा हूं, देखिए एग्जांपल देखो, देखो भाई, ही राइट ए स्टोरी एट दिस टाइम, यही तक अगर आप पढ़ते हो, ही राइट ए स्टोरी, क्या करोगे, ही राइट्स ए स्टोरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, यहां तक अगर आप पढ़ते हो। इसके आगे अगर आप चल रहे हो एट दिस टाइम को पढ़ते हो, तो एट दिस टाइम आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फ्री हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए स्टोरी एट दिस टाइम, इस समय वो कहानी लिख रहा है। लेकिन जब आप कंप्लीट पढ़ते हो तो क्या होगा, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय वो एक कहानी लिख रहा होगा। फिर यहां पे क्या करोगे, ही विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग ए स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है भाई, कुछ भी आ जाए, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर या कुछ भी आ जाए इस तरीके का, तो आप फ्यूचर टेंस का यूज करोगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल लिख देता हूं, दिस टाइम नेक्स्ट डे, अगले दिन इस समय, आई शैल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, अगले दिन इसी समय मैं खाना बना रहा हूंगा। करो भाई जल्दी से, हटा रहा हूं फिर मैं, परफेक्ट सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपका कंप्लीट हो गया है, लिख लीजिए। Thank you.
अगला हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होती है हेल्पिंग वर्ब, जल्दी से लिख लीजिए, शैल हैव और विल हैव, ठीक है भाई। शैल हैव क्या होगी, आई और वी के साथ में, बाकी सभी के साथ में विल हैव का यूज करोगे। लिखो जल्दी से, मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख लीजिए। ठीक है भाई, हटा रहा हूं मैं, देखो एडवर्ब है या आइडेंटिफिकेशन जो भी आप मान के चलते हो, यहां पे होगा बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, लिखो जल्दी क्या होगा बाय प्लस टाइम, समझाता हूं मैं, देखिए कैसे होगा। If by is used before time, यदि by से पहले, sorry, यदि time से पहले by का यूज किया गया हो, तब blanks में shall, will plus have plus third form of the verb का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देखो ही ईट फूड बाय 10 एम, आपको तो क्या करना है, ईट रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पे देखो टाइम दिया है, टाइम के साथ आता है सिंसियर फोर, कब आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, यहां पे नहीं है सिंसियर फोर, यहां पे दिया गया बाई का यूज। अभी हमने पढ़ा कि यदि टाइम से पहले बाई है तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, कैसे, He will have eaten food by 10 am. वो 10 बजे तक खाना खा चुका होगा, ठीक है भाई। He will have eaten food by 10 am. देखो सी रिटर्न फ्रॉम जयपुर बाय 2020 तक, वह जयपुर से वापस आ चुकी होगी, क्या करोगे, सी विल हैव रिटर्न ईडी लगा दीजिए, सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम जयपुर बाय 2020 तक, जयपुर से वापस आ चुकी होगी, ठीक है भाई। भाई के बाद टाइम दिया है, आपको क्या करना है, और कोई याद ही नहीं रखना कुछ भी आपको, भाई के साथ अगर टाइम दिया है तो आप क्या करोगे, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखो जल्दी से, हटा रहा हूं फिर मैं, लास्ट टाइम बचता है, आज कंप्लीट कर देंगे।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब होगी यहां पे शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन विल हैव बीन किस किस के साथ यूज होगी, शैल हैव बीन होगी आई और बी के साथ, विल हैव बीन यूज होगी बाकी सभी के साथ। ठीक है, अब सुनो मेन वर्ब क्या यूज होगी, मेन वर्ब यहां पे यूज होगी वर्ब की आई एन जी फॉर्म। ठीक है भाई, लिखो उसके बाद लिखाते हैं इसका एडवर्ब क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा जो हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग मैं बताऊंगा यहाँ पे इसके जो एडवर्ब है वो क्या है। इसका एडवर्ब है फोर प्लस टाइम प्लस बाई प्लस टाइम, सेंटेंस बनेंगे दो। ठीक है, और वैन से जुड़े होंगे, वैन से जुड़े हुए दो सेंटेंस में और या सिंस का यूज होगा और उसके बाद बाई का यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, वैन से अगर नहीं भी जोड़ते हो तो भी आप कैसे करोगे, देखो एग्जांपल देखो, यहां इस चीज को ध्यान रखना जो मैंने लिखा है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिए अनीता प्ले फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाय 2 o'clock, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अनीता 2 बजे तक 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही होगी। अनीता दो घंटे से फुटबॉल खेल रही थी तब तक वैन का यूज हो गया था, और यहाँ पे है कि अगले समय तक 2 बजे तक 2 घंटे हो जाएंगे उसको खेलते हुए। तो देखो 4 का यूज हुआ, 4 प्लस टाइम दे रखा है, प्लस बाई प्लस टाइम, टाइम का जो तरीका है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वॉच टाइम दिया हुआ है, वहां पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे शैल हैव बीन या विल हैव बीन का। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनीता विल हैव बीन प्लेइंग, अनीता विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स बाय 2 o'clock। ये चीजें कब होती है, एक तो मैं कहूं कि रमेश 5 साल से इस घर में रह रहा है तो रमेश को रहते हुए 5 साल हो गए, हो चुके। दूसरा मैं कहूं कि रमेश उस समय 5 साल से उस घर में रह रहा था जब मैं वहां पे रहने गया, तो वो पास्ट की बात हो गई, व्हेन आई वेंट देयर टू लिव, रमेश हैड बीन लिविंग फॉर 5 ईयर्स देयर, रमेश वहां पर 5 साल से रह रहा था जब मैं वहां पर रहने गया। क्या था कि जब वैन से जुड़े हुए हो, सिंस 4 के साथ टाइम दिया हो और एक सेंटेंस हो वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, तो दूसरे में हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जब 4 प्लस टाइम प्लस वाई प्लस टाइम दिया गया हो कि 2025 तक रमेश को इस घर में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, तो अभी तो आई नहीं है 2025, हो जाएंगे बाय 2025, बाय होता है आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, क्या करोगे,
रमेश लिव इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स बाय 2024, 2024 तक रमेश को 10 साल हो जाएंगे इस घर में रहते हुए, तब आप किसका यूज करोगे? 4+ टाइम और बाय प्लस टाइम। सीधा सा है, बिना कुछ देखे आप करोगे, रमेश विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, रमेश इस घर में 10 साल से रह रहा होगा, फॉर 10 ईयर्स बाय 2024। क्लियर है? देखिए टेंस मेरी तरफ से आपके टेंस हैं वो क्लियर हो गए हैं। समस्या कोई भी हो आप लोग सबसे पहले कमेंट करो, बताओ, स्कूल में कांटेक्ट करो। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट में जैसे भी आपको पीडीएफ क्वेश्चन की प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है ना, और क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का उसमें भी मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, वो आपको कंप्लीट करके भेजने हैं। बाकी पढ़ते रहो, समस्या हो तो बता दिया करो। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।